जय श्री कृष्णा सबको। जय श्री कृष्णा करने के लिए सबसे पहले हाथ जोड़ने पड़ते हैं और हाथ जोड़ने के लिए हाथ उठाना पड़ता है। मुझे हाथ में इतनी तकलीफ़ थी कि मैं अपने दोनों हाथ ऊपर नहीं ले जा सकती थी। मेरे हाथ में फ्रोजन शोल्डर बताया गया था। मैं साधना सारस्वत, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आई हूँ। करीबन 6-7-8 महीने से मैं पीड़ा से यह थी, मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी, खुद रात को अपने हाथों को ऐसे दबाती रहती थी और मैं अपने हाथ में एक बर्तन भी ढंग से नहीं उठा पा रही थी। डॉक्टर को बताया, उन्होंने कहा MRI कराओ और आपको अगर इससे आराम नहीं होगा तो आपको सर्जरी करना पड़ेगी। मेरे पति के एक मित्र है दिलीप जी पटवारी, उनकी वाइफ को कमर में प्रॉब्लम थी, वो यहाँ 2 बार आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चलो साथ में प्लान बनाते हैं। यहाँ आने के बाद हम डॉक्टर गोवर्धन जी पाराशर साहब से मिले, उन्होंने चेक किया और कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, चिंता की, आप ठीक हो जाएंगे और हम आपका कंधा ऐसा कर देंगे कि आप सारा कंधे पे सामान लेके जा सकते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो कंधे पे एक पर्स भी नहीं उठा पा रही हूँ। हम लोग यहीं रुके हुए थे, तीसरे दिन तो मेरा हाथ ऐसा हो गया कि जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं डॉक्टर रेमन जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, पूरे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगी, आपके साथ जुड़ के जो आज मुझे लगा कि बिना दवाई के भी आदमी ठीक हो सकता है। हमारे जो मित्र थे उनकी वाइफ को देख के मेरे मन में बड़ा एक विश्वास था कि वो भाभी जी भी ठीक होके गए तो मैं भी हो जाऊंगी। और मेरा हाथ जो इतना सही उठता था, आज ये दोनों हाथ में ऊपर करके भी आप सब लोगों से जय श्री कृष्ण कर सकती हूँ। या तो जादू है, और आप सभी जिनको भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर आ जाओ और ये इस तरीके से अच्छे होके जाएँ। हम लोग एक नहीं आए थे, हम लोग 6-7 जने आए हैं साथ में और उसमें से हम 6-7 अच्छे होके जा रहे हैं। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बांटा और बाकी भी मेरे साथ जो भी आए हैं सब अपनी जो किसी को छोटी प्रॉब्लम थी, किसी को बड़ी, लेकिन हम सब ठीक हुए हैं। आओगे सिर्फ परेशानी लेके, लेकिन जाओगे तो सिर्फ खुशियां लेके यहाँ से। और मैं फिर एक बार फिर यहाँ के सारे स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा सबको मेरा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।